भोला दशहरा के बीच होगी कड़ी टक्कर। क्या कमाल कर पाएगी अजय देवगन की फिल्म भोला? क्या एक बार फिर से चलेगा अजय देवगन का उनके फैंस पर भोला के जरिए जादू? हेलो दोस्तों, आरआर सिनेप्लेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्टर अजय देवगन की फिल्म भोला और साउथ की फिल्म दशहरा के बारे में। वीडियो में हम आपको एक एक छोटी से छोटी वो इनसाइड स्टोरीज और डिटेल देने वाले हैं जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। तो अपने तमाम काम छोड़ के जल्दी से भोला और दशहरा के बारे में जानने के लिए आप फौरन वीडियो के साथ जुड़ जाएं। ये दोनों ही फिल्में 30 मार्च को रिलीज होंगी एक साथ, यानी दर्शकों का होने वाला है ढेर सारा इंटरटेनमेंट बॉक्स ऑफिस के जरिए। जहाँ एक तरफ अजय देवगन की फिल्म भोला को लेके काफी क्रेज बना हुआ है, तो वहीं एक थोड़ी सी टेंशन भी हो सकती है कि ऑडियंस को काफी वक्त से बॉलीवुड की बजाय साउथ की फिल्में ज्यादा पसंद आ रही हैं। इसलिए अजय की फिल्म भोला के लिए दशहरा को पीछा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं और खासकर अजय देवगन के फैन, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों ही फिल्मों की डिटेल में जानकारी दी गई है। बताएंगे आपको कि कैसे भोला एक रीमेक फिल्म होते हुए भी ओरिजिनल फिल्म से अलग है। भोला फिल्म के प्लॉट से लेकर उसके बजट और यहां तक कि अजय देवगन के डायरेक्शन की बारीकियों के भी बारे में डिटेल में बात होगी। तो इसी बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और चैनल के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की फिल्म भोला के बारे में। फिल्म भोला को लेके काफी वक्त से लोगों में क्रेज है। अजय देवगन के फैंस के लिए ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि फिल्म में हीरो भी अजय देवगन है और फिल्म का डायरेक्शन भी अजय देवगन ने ही किया है। फिल्म का गाना नजर लग जाएगी कुछ वक्त पहले ही रिलीज हुआ था, जिसमें साउथ की एक्ट्रेस अमाला पॉल और अजय देवगन एक रोमांटिक एंगल में नजर आए थे। और जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ, वैसे ही इस गाने को 22 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके थे, जो कि अपने आप में एक बड़ी सक्सेस की तरफ इशारा करती है। गाने की म्यूजिक और लिरिक्स की बात करें तो लोगों को ये गाना काफी पसंद आया। गाने को गाया है जावेद अली ने और गाना लिखा है इरशाद कामिल ने। फिल्म में म्यूजिक दिया है रवि बसरूर ने। जिस वक्त भोला फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, लोगों ने उसे भी काफी पसंद किया था। टीजर में अजय देवगन को जिस तरह से हाथ में त्रिशूल पकड़े दिखाया गया था, फैंस तभी समझ गए थे कि इस फिल्म में अजय फुल एक्शन मूड में दिखेंगे। बात करें भोला की बाकी स्टार कास्ट की, तो एक्ट्रेस तब्बू, दीपक डोबरियाल और शरद केलकर जैसे मजे हुए कलाकार इसमें नजर आने वाले हैं। तब्बू एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में होंगी तो दीपक डोबरियाल एक नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। भोला की कहानी एक ड्रग माफिया के चारों ओर घूमती है। भोला फिल्म का प्रोडक्शन और डायरेक्शन दोनों ही अजय देवगन का ही है। फिल्म रनवे जो कि ओटीटी पे रिलीज हुई थी, इस फिल्म का डायरेक्शन भी अजय देवगन ने ही किया था। और उसके बाद एक बार फिर से अजय अपने फैंस के लिए अपने डायरेक्शन का कमाल भोला के जरिए दिखाने वाले हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भोला साउथ की सुपरहिट फिल्म कैथी का रीमेक है, जहां ओरिजिनल फिल्म का डायरेक्शन लोकेश कनकराज ने किया था और फिल्म में कार्थी शिव कुमार नजर आए थे एक रहस्यमय कैदी के रूप में। तो वहीं भोला में अजय देवगन एक गैंगस्टर के रोल में दिखेंगे। एक और बात भोला को कैथी से अलग बनाती है, और वो है जहां ओरिजिनल मूवी में कोई भी रोमांटिक एंगल था ही नहीं, तो अजय ने अपने फैंस को ध्यान में रखते हुए फिल्म में रोमांटिक एंगल भी डाला है। बात करें भोला के बजट की, तो फिल्म का बजट है 50 करोड़ रुपए। फिल्म से अजय और उनके फैन दोनों को ही काफी उम्मीदें हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैथी जितनी सफल थी, क्या उसी फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में कमाल कर पाएगा। वैसे इससे पहले अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को बॉक्स ऑफिस पे जबरदस्त रिस्पांस मिला था और फिल्म ने तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। चलिए अब बात जरा नानी के फिल्म दशहरा की भी कर लेते हैं। ये फिल्म एक तमिल फिल्म है जो हिंदी में डब की जाएगी और 30 मार्च को रिलीज होगी, जिसे डायरेक्ट किया है श्रीकांत ओडेला ने। और इस फिल्म में कीर्ति सुरेश, साई कुमार और शाइन टॉम चाको भी है। श्रीकांत ओडेला की बतौर निर्देशक ये डेब्यू फिल्म होगी। इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो रिलीज से पहले ही फिल्म ने एक मोटा प्रॉफिट कमा लिया है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 65 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म के डिजिटल और थिएटर राइट्स 29 करोड़ और 48 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं और फिल्म को रिलीज से पहले ही 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है।
रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि दोनों में से कौन सी फिल्म बाजी मारेगी, लेकिन ये तो पक्का है कि 30 मार्च को ऑडियंस का ढेर सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों फिल्मों में सबसे पहले आप कौन सी फिल्म देखने जाएंगे। साथ ही इस वीडियो से जुड़ी कोई राय और सजेशन है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए दर्शक हैं तो आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल RR Cineplex को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। अगर आपको बॉलीवुड स्टार्स की जिंदगी से जुड़े राज जानने में इंटरेस्ट है तो जल्दी से चैनल की बाकी वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और साथ ही होगा आपका ढेर सारा एंटरटेनमेंट।